डिजिपा प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि सरकार किसानों की बची हुई मांगों को भी जल्द मान ले, नहीं तो सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग पहले ही मान लेनी चाहिए थी। सरकार मांगे मानने में जितनी देर करेगी, किसानों का सरकार से उतना ही विश्वास हटेगा। कृषि कानून वापस लेने पर दिग्विजय चौटाला बोले कि इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। हरियाणा विधानसभा मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द हो सकता है। उन्होंने खुलासा किया कि हमारे कोटे से भी एक मंत्री लिया जाएगा। दिग्विजय चौटाला 9 दिसंबर को जजपा के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता देने रेवाड़ी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर रेवाड़ी की जनता में भी भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी सबसे निकट है, इसलिए यहां से रैली में ऐतिहासिक जनसमूह पहुंचेगा। रैली में सरकार के 2 सालों के कार्यों का जन जागरण किया जाएगा। युवाओं के लिए भी रैली में बड़ी घोषणा की जाएगी। रेवाड़ी जिले की जेजेपी पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने सबको निमंत्रण दिया, न्योता दिया। जो उत्साह, जो जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में, हम सब में है, मुझे उम्मीद है कि सबसे नज़दीक हमारा रेवाड़ी पड़ता है। रेवाड़ी से ऐतिहासिक भीड़ उस सभा में, उस रैली में, उस विशाल जनसमूह में सम्मिलित होकर के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली बनाने का काम उसे करेगी। पीछे के जो 2 साल के काम हैं उनका जन जागरण होगा और अगले 3 साल के काम का एजेंडा सेट दुष्यंत जी करेंगे। हमारे इस इलाके के लिए भी, नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा उस दिन वहां से करने जा रहे हैं। तो मैं तो सबको निमंत्रण देने आया हूं, मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी उसके अंदर अपना सबसे बड़ा योगदान दे। अंदर जो बैठे लोग हैं उन लोगों ने तय करना है, बट हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है कि देर सवेर किसानों की जो मांग है, पहले भी उसको माना गया और आगे भी उसको माना जाना पड़ेगा। तो अब उसको देर ना करते हुए सरकार जितनी जल्द मान लेगी, लेने फिर भी हैं तो उसमें डिले करेंगी तो सरकार से विश्वास और ज़्यादा वो होगा, कम होगा। इसलिए हमारा आग्रह ये है भाई, इनकी बात जैसे अगर ये हम मानते हैं भाई, 1 साल लंबा क्यों खींचा, पहले ही मान लेनी चाहिए थी। इसलिए अब ये बची कुची भी जो मांगे हैं इनकी, केस वापस लेने की या जो कोई और हैं, वो इनकी मान लेनी चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितना डिले करेंगे उतना दोनों पक्षों में नुकसान। एक नहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का वापस लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। और कोई भी फैसला, इतना बड़ा फैसला जिसका प्रभाव कई राज्यों में हो, उसको एक राज्य की सिर्फ चुनावों से जोड़ के देखना गलत। एक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, जज पर मैं भी आपके माध्यम से ही सुनता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे से भी डिस्कस नहीं होती, ये टॉप लेवल की पार्टी, दोनों पार्टियों की लीडरशिप डिस्कस करती है, पर सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा। तो कुछ मंत्री अपने भी कोटे के बढ़ेंगे कभी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। हमारे कोटे का एक मंत्री अभी पेंडिंग है, वो बढ़ेगा। ठीक है।